डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर पुणे में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, यहाँ पर एक ऐसी कढ़ाई देखने को मिली जिसने दुनिया के सातों अजूबे फेल कर दिए। बादशाह अकबर की दी हुई अजमेर की वर्ल्ड फेमस कढ़ाई को भी इसने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ना सिर्फ इसमें एक बार में बनाई गई 10,000 किलो मिसल, बल्कि खाने के ऊपर चलकर यहाँ पर खाने का अनादर भी नहीं किया गया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई में 1,00,000 लोगों के लिए मिसल कैसे बनाई गई, कहाँ बनाई गई और क्यों बनाई गई, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस, अभी हमें पुणे में भव्य एकता मिसल कार्यक्रम में, जहां पर इस विशालकाय कढ़ाई के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 10,000 किलो मिसल बनाई जाएगी, जिसके लिए सबसे पहले इस बड़ी सी कढ़ाई के अंदर देखिए तेल डाला जा रहा है, और तेल आप देखिए पूरे के पूरे कनस्तर खाली किए जा रहे हैं इस कढ़ाई के अंदर, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ये कढ़ाई है और इसके अंदर 10,000 किलो मिसल बनना है, तो तेल भी यहाँ पर 1400 लीटर लिया जाएगा, और 1400 लीटर तेल आप देखिए इस कढ़ाई की तली में ही खत्म हो गया है। तेल लेने के बाद अब इसके अंदर डाला जा रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब तेल 1400 लीटर लिया है, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में ही डाला जाएगा। जी हाँ, 400 किलो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला जाएगा गाइस इस कढ़ाई में। और आप ये देखिए, इस कढ़ाई के सामने ये ड्रम भी कितना छोटा सा लग रहा है। खैर, ना केवल उस साइड से जिंजर गार्लिक पेस्ट का पूरा ड्रम खाली कर दिया गया है, बल्कि इस साइड से भी देखिए पूरा ड्रम इसी में खाली कर दिया गया है। अब इसे यहाँ पर तेल में पलटनों की सहायता से अच्छे से मिलाया जाएगा, और कढ़ाई के नीचे लगातार लकड़ियाँ डालकर आंच बहुत तेज कर दी जाएगी। इस तेज आंच में कोई 20 मिनट तक इन्हें पकाया जाएगा अच्छे से, और उसके बाद इसमें डाला जाएगा कोकोनट क्रश। जी हाँ, कसा हुआ नारियल यानी कि खोपरा डाला जाएगा इसके अंदर, और ये भी 280 किलो डाला जाएगा। नारियल का एक चूरा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाएगा। पानी इसलिए डाला जाता है जिससे कढ़ाई के किनारों पर जो नारियल का चूरा लग गया था वो भी नीचे चला जाए। और इसके बाद अब देखिए, यहाँ पर कसी हुई प्याज ली जा रही है और वो डाली जा रही है, एक के बाद एक बाल्टी भर के इसके अंदर डाली जा रही है कसी हुई प्याज की। और आप सोचिए कितनी प्याज डलेगी इसके अंदर, 1600 किलो। जी हाँ गाइस, तो प्याज डालते रहेंगे, बीच बीच में पानी से किनारे साफ करते रहेंगे, और पूरी 1600 किलो प्याज इसमें डाल दी जाएगी। उसके बाद पानी डाल के बाल्टी से पूरे किनारे कढ़ाई के साफ कर लिए जाएंगे, और अगले 30-40 मिनट तक प्याज को कढ़ाई में पकाया जाएगा अच्छे से। दूसरी तरफ लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर में पानी डालकर उनका पेस्ट तैयार किया जाएगा, और जब प्याज अपनी पूरी तरीके से पक जाएगी, उसका रंग बदल जाएगा, तो उसके अंदर ये हल्दी का घोल डाला जाएगा, जिसके अंदर 80 किलो हल्दी ली गई है। इस हल्दी के घोल को यहाँ पर अच्छे से मिलाया जाएगा, और उसके बाद जो अपना लाल मिर्च पाउडर का घोल तैयार किया था वो लिया जाएगा और वो डाला जाएगा इसके अंदर। और ये भी कोई 4-5 किलो नहीं, बल्कि 80 किलो लाल मिर्च पाउडर था। अच्छी तरीके से इसे भी यहाँ पर मिलाया जाएगा, और लगभग 15-20 मिनट तक पकाने के बाद इसमें अब डाला जा रहा है मिसल का मसाला। हल्दी और मिर्च 80-80 किलो डाली गई थी, लेकिन मिसल का मसाला 280 किलो डाला गया है इसमें। मसालों को डालने के बाद अब यहाँ पर पानी डाला जा रहा है, और पानी के लिए आप देखिए इधर एक बड़े से टैंक में पानी भरा हुआ है, जहाँ से एक बंदा पानी को निकाल रहा है और उसे आगे दे रहा है। आगे एक से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा, इसी तरीके से होते हुए पानी की बाल्टी आगे जा रही है, और लगातार इसमें पानी की बाल्टी अपनी डाली जा रही है कढ़ाई के अंदर। तो बहुत सारी क्वांटिटी में पानी डाल लिया जाएगा कढ़ाई में, और उसके बाद कढ़ाई में जितनी भी चीजें हैं इन सबको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलाया जाएगा। लगभग 10-15 मिनट तक ये मिलाने का काम चलेगा, और जब ये सब बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, उसके बाद इसमें डाला जाएगा नमक। और कितना नमक? पूरा 100 किलो नमक डाला जाएगा गाइस इसके अंदर। नमक के बाद अब देखिए इसके अंदर डाला जा रहा है तेज पत्ता, और तेज पत्ता भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि भर भर के डाला जा रहा है इसमें। लगभग 1 घंटे इन सारी चीजों को यहाँ पर पकाया जाएगा, और उसके बाद अब ली है यहाँ पे मटकी। मटकी यानी कि अपनी अंकुरित दाल, ये मिसल का मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब इसके अंदर देखिए ये मटकी डाली जा रही है, और ये जो अंकुरित दाल है ये पूरी 2000 किलो डाली जाएगी गाइस इसके अंदर। कढ़ाई के चारों तरफ से इसमें अंकुरित दाल के कट्टे खाली किए जाएंगे, और क्योंकि दाल की क्वांटिटी इतनी है तो ये काम करने में ही लगभग कोई 15 मिनट लग जाएंगी। पूरी 2000 किलो दाल इसमें डालने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे से पकाया जाएगा, और उसके बाद ऊपर से हरा धनिया डाल के ये मिसल अपनी तैयार हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि केवल आम आदमी इसके लिए यहाँ पर आते हैं, बल्कि आप देखिए महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार जी, वो खुद इसके अंदर हरा धनिया डाल के इसका बनाने का कार्य पूरा करेंगे। और ये जो मिसल अब तैयार हुई है, इसे यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने आने वाले 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों को निशुल्क दिया जाएगा। टेस्ट इसका होता है काफी अच्छा, और टेस्टी होने के साथ साथ ये मिसल बहुत हेल्दी भी होती है। खैर, आप मुझे कमेंट करके बताएगा आपको इस मिसल को दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई में बनाने का प्रोसेस कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।